नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथे गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वःः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है सत्य की जीत। एक राज्य में एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा था। वह अपने राज्य में सभी का ध्यान रखता था। वह वेश बदल कर अपने राज्य में भ्रमण करता था और अपने राज्य संचालन में निरंतर सुधार का प्रयत्न करता रहता था। कई दिन उसके अपने राज्य में परेशानियां देखी। कुछ दिन बाद उसने अपने राज्य के एक कानून पारित किया कि यदि बाजार में किसी का सामान बेचने के बाद रह जाता है और वह नहीं बिकता तो उसे राजा खरीद लेंगे। एक दिन की बात थी, एक चित्रकार की चित्र नहीं बिकी रही थी। उस पर शनि देव की चित्र बनी थी। वह राजा के पास गया और राजा ने उसे खरीद लिया। उसने अपने राजमहल में शनि देव की स्थापना करवाई। स्थापना के अगले दिन ही राजा में सपने में लक्ष्मी जी आए। लक्ष्मी जी ने कहा, राजा आपने अपने महल में शनि देव की स्थापना करवाई है। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। मैं अब यह से जा रही हूँ। अगले दिन सपनों में धर्म आया। उसने ही यही कहा और वहाँ से चल दिया। राजा मन ही मन परेशान हो गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। अगले दिन पुनः उसने सपने में सत्य आया। उसने भी यही बात कही और जाने लगा। राजा ने अपने कथनानुसार सत्य जा पालन किया था। राजा ने उत्तर में कहा, देव मैंने अपने कथनानुसार सत्य का पालन किया है। आपका जाना न्याय संगत नहीं होगा। राजा की यह बात यथार्थ थी और सत्य नहीं गया। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी जी और धर्मपुन वापस आ गए। दोस्तों, आज में समय में सत्य बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके कहने यह वाक्यों का आपको याद रहने के लिए आवश्यकता नहीं होती। सत्य हमें आत्मसम्मान दिलाता है, हमें अपनी ही दृष्टि में उच्च बनाता है। रात को जब हम निंद्रा के लिए जाते हैं तो अलौकिक आनंद की अनुभूति करता है। दोस्तों, सत्य का प्रयोग करके देखे, उत्तर आपके सामने स्वयं ही आ जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।